अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नए वीडियो स्टार्ट करेंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको ईद उल अदा और बकरीद की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके घर में खुशियां और बरकत दें दे, सेहतमंद ज़िंदगी दें दे, हर एक को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो संडे का ब्लॉग है ये, तो मैं वहाँ पर ग्रीन टी बनाई थी। चलिए कैसा बनाना है वो मैं आपको दिखाऊँगी। ऊटी से ले लेकर सर दानेदार, देखिए ऊटी में मिलता है ये चाक पत्ते की स्मेल है सर। ग्रीन टी सिर्फ दो दाने काफी है। यस ग्रीन टी कितना पड़ा? 750, आधा किलो। और पांच ये ओरिजिनल टी लौंग और चकला, इतनी खुशबू है, एक दाना डाले तो भी काफी है, उतनी अच्छी बिरयानी बनती है। तो कलर भी देखिए कैसा आता है, और मोटापा कम करने के वास्ते और टेस्ट भी बढ़िया है। अभी हमें ये छानती ना जो चकपत्ती आती है वो जमा को रखो, फेस पैक भी लगा सकते हैं चेहरे पर। देखिए कलर सिंगारा टी गार्डन को कहते हैं। नींबू अगर आपको पतला होना तो नींबू डाल को भी पी सकते हैं ग्रीन टी में, टेस्ट भी अच्छा रहता है। पानी होना तो डाल सकते हैं, जितना होना होता है। ज़्यादा पीता कम पीता मम्मा? ज़्यादा। तो पानी डाल देख, दो छोटे इसे नो एक्सपायरी डेट। देखिए और भी मैं पानी मिला चुकी हूँ, कलर देखिए उसका पीन दे लियो पानी से, ऐसे भी बच्चे पानी नहीं पिए थे। पर वाली हनी शुगर जायत्री कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आप ये गुड़ यूज़ करिए, नहीं तो आपको शहद ले भी सकते हैं, तो मैं तो शक्कर डाली हूँ। डाइटिंग को कौन सा अच्छा? गुड़ शहद भी परवाह नहीं, तो हमें घर में नहीं पीते शक्करी तालो बोलती, क्या करना। अगर आपको वेट लॉस करना रहे तो नींबू डाल सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही पी सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा नींबू डाल के पी सकते हैं वेट लॉस के लिए, अगर नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन ज़र्रा डाले तो भी बस स्ट्रांग है ना। वहाँ से ऊटी से लाई समय है, तो उसके पत्ते देखिए इसको जमा के रख फेस पैक भी बना सकते हैं, हर्बल का है ये, फेस अच्छी तरह से क्लीन होता है बोले इंशाल्लाह। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे यूट्यूब फैमिली, आप बोलते हैं कि मोमो के बारे में नहीं बोलते, बोल को मोमो तो मेरा बच्चा है, करके मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ। और मेरे फैमिली के बारे में अभी बात करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले माने तो इंशाल्लाह सबके साथ इंट्रोड्यूस कराऊँगी। आप फिलहाल उन्होंने बोलती कि आपका वीडियो है आप बना लो बोल के, तो मैं बिना परमिशन के नहीं बना सकती, इसलिए मैं चुपचाप हूँ। इंशाल्लाह आने के कुछ दिनों में वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे भाइयों के बच्चे मुझे फूफू फूफू बोल को बड़ा प्यार से बुलाती, उसके वजह से अभी हम दो जने रहते ना घर में, तो मुझे याद आने के वास्ते भूलना नहीं बोल को उन्हों बात को फूफू फूफू बुलाती हैं, दूसरा कुछ भी नहीं, मजाक के वास्ते सीरियसली उन्हों को। ये क्वेश्चन कई को ज़्यादा आता है मालूम, न्यू सब्सक्राइबर को मालूम नहीं रहता, जब से मेरा वीडियो में डाल रही हूँ पुराने उन्होंने ही पूछते हैं कि कहते, उनको मालूम रहता है कि मोमो मेरा बच्चा अच्छा है, मजाक कर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ हर एक वीडियो में। चिकन मसाला तो मैं अभी इसमें अंडा डाल रहा हूँ। चिकन मसाला एक अच्छा रहता है, अंडे ले जाओ मोमो तो ना। तो यहाँ देखिए मसाला दिखा, यहाँ इसमें मैं डाली हूँ थोड़ी सी हल्दी, कुटा हुआ मिर्ची और थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ी सी मिर्ची कटा, थोड़ा धनिया कटा। अभी मैं थोड़ा सा इसमें टेस्टिंग के लिए जीरा पाउडर भी डालूँगी, ये घर में होममेड, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी टेस्ट के लिए जीरा पाउडर। एंड मैं ये बना चुकी हूँ यहाँ पर दाल और नौकल सांभर, ये है रागी बॉल, और यहाँ पर है गरम खाना, पापड़ भी है साथ में। अरे अरे मोमो ऐसा बना ले को। तो यहाँ पर मैं एक भुजी बना रही हूँ, दाल सांभर बनाई थी, मूलियाँ डाली थी इसकी, मैं नौकल दो भी अंडे का मसाला मैं बना चुकी हूँ।
आठ रोज को वहाँ अंडा बनाते थे। हाँ नहीं, हम करेला बनाती थी मैं, करेला लास्ट अंडा बनाए नहीं, जुम्मा के दिन बनाई सो, आने के टाइम पर मैं करेला बना गई जी। अम्मा अंडा तो बनाई नहीं, बनाई वो था तो दो मिनट से हम यही मिक्स करेंगे, क्यों नहीं मिक्स करेंगे, ये भुजिया अच्छा नहीं बनता। नहीं नहीं मिला था अच्छा, दो मिनट हम छूना। तो यहाँ पर हमारा डिनर बन चुका है, रागी का हिट और दाल मूलियाँ सांभर, यहाँ पर एक भुजी और पापड़। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली, साथ में थोड़ा सा अचार। The next day. नेक्स्ट डे हम गए थे इवनिंग में निकले चिकन लाने के वास्ते, तो मोमो है ना मटन ज़्यादा नहीं खा था। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए औली अल्लाह को भी सलाम कर देंगे, दरूद पर लेके जाएंगे हम, ऐसे ही करती हूँ। कौन से बकरी है? दो बिमला 25,000 है। एक साल की क्या ये? नहीं तो मेरी YouTube फैमिली कैसे हैं आप? तो यहाँ पर मैं ये भुट्टा गलने रखी हूँ और साथ साथ में चिकन भी लाई हूँ, चिकन को भिगो के रखी हूँ। थोड़ी देर पानी में डाला ना, जब जब क्या होता है इसका जो भी गली जागी है वो पूरा आ जाता है, के बाद हमें क्लीन करेंगे। पुप्पू क्या बना रही? चिकन, चिकन बना रही। तो मैं लायर पर लग गई थी, आपको दिखाई भी वो दुकान, वहाँ से लेकर आई थी मैं ये चिकन लाल मसाला, देखती हूँ टेस्ट कैसा है। बोल को कलर से तो लग रहा है टमटिंग, तो बनाने के बाद देखेंगे माशाल्लाह। कैसा लग रहा है मोमो खुशबू? शादियां में खाती ना लाल लाल, हरिया 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 नहीं बने यहाँ, लाल बने समय देख के आ रहा ना मुंह में पानी, मुंह में चुझे फुल मुंह में पानी आ गया। वीडियो एडिटिंग करते इस टाइम पर भी। कल मैं ही बड़ी अम्मा दुकान गए थे, 50 रुपए इनका ले लेते हैं, देखेंगे बोल को। चिकन मसाला, चिकन मसाला, चिकन लाल मसाला लियो, चिकन मसाला नहीं है लाल, चिकन लाल मसाला 50 रुपए का देखो तो लायर पड़े से ले लेते हैं। यहाँ से मेरा यूट्यूब देखती मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली। तो यहाँ पर देखिए चिकन कबाब बना दली में, और माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही है ना, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। 50 रुपए बहुत अच्छा काम करे, हमें बहुत जगह सोचती हैं ये पैकेट में रह तो ऐसा रहता है और बाहर से लिए तो ऐसा रहता है बिल्कुल, लेकिन ये मसाला बहुत अच्छा था चिकन लाल मसाला। ऐसा कौन कौन ट्राई करी ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो खाना गिना खा को बर्तन धोने के बाद रात के 12 बजे यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ ईद के लिए। अभी बिगनर हैं इन्हों सीख रही, इनको अभी पसंद आ रही है कि मेहंदी छुड़ाना बोल को, तो सीखने बच्चों को देना चाहिए। हाथ यहाँ पर देखिए अभी इंटरेस्ट आ रहा है सीखने के लिए मोमो को। नेक्स्ट मॉर्निंग तो ईद के सुबह हमें उठ के नमाज पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर देखिए मेरी यूट्यूब फैमिली सबके लिए भी मैं दुआ करी हूँ, हर हमेशा मैं दुआ करती हूँ, कभी भी हमें किसी का भी बुरा नहीं चाहना। सबके लिए तोफी देता फरमा, सबको नमाज पढ़ने की तोफी देता फरमा, ये अल्लाह जितने भी कुर्बानी दे रही है अल्लाह सबको बाट को, गरीबों से गरीबों को बांटने की तोफी देता फरमा, ये अल्लाह हम सबको कुर्बानी देने की तोफी देता फरमा, ये रब्बुल आलमीन हमें तकलीफ परेशानी को दूर करने की तोफी देता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। तो सुबह में जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ के सब हो गया था, और काम भी मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर डाली थी। मेरी यूट्यूब फैमिली आपकी ईद कैसा गुजरी और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। आप फोन छुड़ाए सो मोमो अच्छा है। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन देखिए,
तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ हनी के साथ। तो चलिए पानी को भी गर्म कर लेंगे। आप मेरा वीडियो पसंद से देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखें दे। और आप मेरी फैमिली के बारे में जानना है तो थोड़े दिन इंतज़ार करिए, इंशाल्लाह मैं सब कुछ शेयर करूँगी। और बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली, आपकी ईद कैसे गुजरी ज़रूर बताइए। फिट एंड स्लिम रहने के वास्ते गर्म पानी और हनी और नींबू भी डाल को पी सकती हैं, लेकिन मैं नींबू नहीं डालती क्योंकि मैं पहले से नींबू नहीं डाल चुकी हूँ इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मोमो का गिलास अंगूठी से ले ले गए थे, कितना प्यारा है। और मोमो को भी देते हैं यहाँ पर, साथ साथ में आटे को भी गूंद लेंगे रोटी बनाने के लिए। जितना मैं शूट करी हूँ उतना आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए टेरिस के ऊपर भी कितना कचरा हो गया, क्लीन करने जाना जाना बोल को गई इसने में। तो साथ साथ में यहाँ पर मैं कपड़े भी धो चुकी हूँ, बाद में आके मैं सारा ट्रेस क्लीन करूँगी क्योंकि अभी कपड़े हैं ना उसके ऊपर डस्ट पूरा बैठ जाता है। तो मौसम और क्लाइमेट देखिए कितना प्यारा है, और ईद के दिन ज़रूर से बारिश आता है। अगर कपड़े धोको रहे तो जल्दी जल्दी उठा कर रख लियो, ये धूप को देख को भूलो नो कपड़े हमको फिर धोना पड़ता है। तो इस तरह का था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। छोटे वीडियो डालने के लिए बोले ना इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगी। तो नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दुआ में याद रखिए।